हेलो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक प्रोडक्ट मंगाया है जो अमेजन से आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे ये है कंप्यूटर का एक माउस, तो चलिए हम इसे ओपन करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि इसके क्या फीचर्स हैं और क्या आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसे ओपन कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस माउस का जो नाम है वो X1000 है और यहाँ पे हम आपको प्राइस बताना चाहेंगे। तो आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं 269। इस बार अमेजन ने जो प्रिंट किया है यहाँ पे इनवॉइस वो काफी ठीक ठाक है, अच्छा प्रिंट है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे ये एक अच्छी बात है, 269 यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स अमाउंट भी। तो चलिए हम यहाँ पे इसे रख देते हैं, अब हम इसे ओपन कर लेंगे और देख लेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो भी पैकिंग में आया वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड दिया गया है, तो आप यहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ये दिखेगा प्रोडक्ट नोटिस, तो ठीक है हम इसे साइड रखते जाते हैं। और यहाँ पे आपको दिखेगा वर्ल्ड वाइड लिमिटेड वारंटी फॉर HP एसेसरीज, तो यहाँ पे ये वारंटी का दिया गया है जो आपको एक साल की मिल रही है। तो यहाँ पे एक और अच्छी बात है, छोटे से प्रोडक्ट के लिए एक साल की वारंटी अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये तीन चीज दी गई थी और ये चौथी चीज है आपका मेन प्रोडक्ट जो आप यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। पैकिंग ठीक ठाक की गई है, नॉर्मल पैकिंग है, कुछ खास पैकिंग नहीं कहूंगा लेकिन ठीक है। दोस्तों यहाँ पे इसका जो वायर है वो काफी लंबा है, इतना भी लंबा नहीं है पर ठीक ठाक है, आप कंफर्टेबली यूज कर पाएंगे। यहाँ पे आपको तीन बटन मिलेंगे, स्क्रॉल करने वाला और लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पे इसके बटन है वो काफी अच्छी तरह से क्लिक हो जाते हैं, तो आपको बहुत आनंद आएगा इसे यूज करने में। तो उसको यहाँ पे हम इसके कुछ फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको USB ऑप्टिकल सेंसर 3 बटन के साथ है। तो यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंसर है उसका 1600 DPI है जो काफी सही है। और यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ इसके बारे में जो काफी हमें अच्छी लगी। दोस्तों बात यह है कि हम इसे एक और ऐसा माउस ऑलरेडी मंगा चुके हैं X1000, हम इसे एक साल से ज्यादा यूज कर चुके हैं, तो हमें काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसका और आज भी हम इस माउस को यूज करते हैं। दोस्तों इस माउस की अगर ताकत बोलूं तो ये काफी सिंपल है, काफी प्राइस में काफी कम है, सेल का कोई झंझट नहीं है यहाँ पे आपको। और एक और बात दोस्तों, यहाँ पे आप कोई भी वैरायटी ऑफ सर्फेसेस पे से यूज कर सकते हैं जो काफी आसानी से आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये एक अच्छी बात है कि आप वैरायटी ऑफ सर्फेस पे इसे यूज कर सकते हैं और विंडोज को छोड़ के हो सकता है कि वो और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा। तो चलिए दोस्तों ये था कुछ माउस के बारे में जो काफी हमें अच्छा लगा, आप इसे जरूर खरीद सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे। फिर दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, गुड बाय।